लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया। मैं सान्या जैन, आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। इंदौर में दो दिन पहले हुआ था स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट के समर्थकों और निगम कर्मियों में विवाद। भाजपा अनुसूचित मोर्चा ने निगम उपायुक्त को भेंट की चूड़ियां। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने कसी कमर। इंदौर में अवैध बैनर पोस्टर होर्डिंग्स को लेकर निगम ने अब पुलिस विभाग की तरह बीट सिस्टम किया लागू। सभी 85 वार्डों में रिमूवल विभाग के 156 कर्मचारियों को किया तैनात। दो दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट के जन्मदिन पर कांग्रेस कार्यकर्ता व निगम अमले के बीच पोस्टर हटाने को लेकर जमकर विवाद हुआ था, जिसके चलते अब भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा ने अपना मोर्चा खोलते हुए निगम के उपायुक्त को चूड़ियां भेंट की हैं। विवाद के बाद महेंद्र सिंह चौहान भागते हुए नजर आए थे। वहीं आज अनुसूचित मोर्चा के अध्यक्ष राजेश शिरोडकर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में मोर्चा के कार्यकर्ता पोस्ट ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले इस तरह के गाने गाकर उपायुक्त महेंद्र सिंह चौहान के नाम चूड़ियां भेंट की। मोर्चा के राजेश शिरोडकर का कहना है कि इंदौर नगर निगम के दबंग उपायुक्त सिंघम के नाम से मशहूर महेंद्र सिंह चौहान की कल दुर्दशा देखकर बहुत मन व्यथित हो रहा है। ये वही सिंघम है जो गरीबों पर दादागिरी करते थे और भाजपा के कार्यकर्ताओं पर नियम बताते थे। हमें याद है बियाबानी का अतिक्रमण तोड़ने जाते हुए सिंघम साहब जेसीबी के बोनट पर बैठ कर गए थे, लेकिन कल कांग्रेस के मंत्री तुलसी सिलावट के समर्थकों द्वारा निगम कर्मी की पिटाई और सिंघम साहब की शांत अभद्रता और देख लेने की धमकी दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। आज हमने स्पीड पोस्ट करी है माननीय महेंद्र सिंह चौहान जी को, चूड़ियाँ स्पीड पोस्ट करी है। अभी परसों के दिन आपने देखा किस तरह कांग्रेसी मंत्री के समर्थकों द्वारा उनकी धुलाई की जा रही थी और उसके बाद वो कैसे मिमियाते हुए पीछे भाग रहे थे। ये वही सिंघम है जिनने इंदौर में राजवाड़ा और ठेले पे से तराजू उठा लेते थे और एक लात में ठेला बिखेर देते थे और अपने आप को सिंघम की उपाधि बनाई। तो मेरा उनसे यही कहना कि ये क्या सिर्फ गरीबों पर ही सिंघमगिरी दिखाएंगे? अब कांग्रेसी समर्थकों के सामने दिखाए सिंघमगिरी कैसे मिमियाते भगे। कांग्रेस शासन में इनको जूतों की नोक पर रखा जाता और हमारे भारतीय जनता पार्टी के शासन में जब इनको सम्मान दिया जाता था तो ये कार्यकर्ताओं का अपमान करते थे, कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते थे, पर आज उनको खुद को उनकी औकात पता चली कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा किस तरह से इनकी पिटाई की गई है। आज उसी तारीख में हमने इनको स्पीड पोस्ट भेजी और शर्म आनी चाहिए उन्हें कि कल कहते कि हमारे साथ कुछ नहीं और पूरे मीडिया और प्रेस के माध्यम से हमने देखा कि किस तरह से भागते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के सामने। आज क्या भेंट की इनको पोस्ट करी है? चूड़ियाँ स्पीड पोस्ट करी है उनके पते, नगर निगम उपायुक्त के पते पर, और स्पीड पोस्ट के बाद भी अगर उन्हें कुछ समझ शर्म नहीं आई तो हम साड़ी और पेटीकोट भेजेंगे। आगामी दिनों में राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी सतर्कता बरत रहे हैं। शहर में कानून और शांति की व्यवस्था को लेकर कई दिशा निर्देश अधिकारियों को जारी किए गए हैं। प्रशासन के साथ मिलकर फैसले के दौरान और फैसले के बाद की स्थिति पर बारीकी से नजर रखने को कहा है। इसी को देखते हुए थाना चंदन नगर में पुलिस द्वारा 4 थानों का बल लेकर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। थाना द्वारकापुरी, थाना राजेंद्र नगर, थाना अन्नपूर्णा आदि क्षेत्रों में पुलिस बल ने फ्लैग मार्च निकाला। फिर रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। और क्षेत्र में सामान्य जो है कानून व्यवस्था की स्थिति रहे और आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए जो है आज जिला पुलिस लाइन में जो है बलवा परेड का अभ्यास रखा गया था और इसमें सभी राजपत्रित अधिकारियों द्वारा, थाना प्रभारियों द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया गया और इसमें बलवा परेड का रिहर्सल की गई। साथ ही जो बारीकियां होती हैं उन बारीकियों से जो है सभी वेस्टेड ऑफिसर्स को, सभी थाना प्रभारियों को और उनके अधीनस्थ विवेचकों को जो है इसमें अवगत कराया गया।
ताकि जो है अगर कभी आवश्यकता पड़ती है तो सभी लोग जो है ड्रिल से परिचित रहें और इसका अभ्यास लगातार कराया जाता रहा है पहले भी, और इस प्रकार के अभ्यास जो है ज़िले में होने से जो है पुलिस प्रशिक्षित रहती है ताकि आवश्यकता पड़ने पे कहीं कोई इस प्रकार की दिक्कत ना हो, इस प्रकार की कोई त्रुटि ना हो, उन सभी त्रुटियों को दूर करने के लिए समय समय पर इस प्रकार का रिहर्सल जो है पुलिस लाइन में कराया जाता है। इंदौर में आए दिन लगने वाले अवैध बैनर पोस्टर होर्डिंग्स को लेकर नगर निगम ने अब पुलिस विभाग की तरह बीट सिस्टम लागू कर दिया है। इसके तहत शहर के प्रमुख मार्गों और सभी 85 वार्डों में रिमूवल विभाग के 156 कर्मचारियों को तैनात किया गया है। अब यह सभी कर्मचारी अपने अपने क्षेत्रों में लगने वाले अवैध बैनर पोस्टर होर्डिंग्स की जानकारी तुरंत निगम अधिकारियों को देंगे और निगम प्रशासन इन अवैध होर्डिंग्स पोस्टर बैनर को अविलंब हटाने की कार्रवाई करेगा। निगम आयुक्त आशीष सिंह ने बताया कि रोज रोज लगने वाले बैनर पोस्टर के विवाद को रोकने के लिए कारगर कदम उठाए गए हैं, जिसके तहत ऐसे बैनर पोस्टर लगते ही उन्हें हटा दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। देखिए, इसके लिए हम लोगों ने बहुत डिटेल 156 लोगों की ड्यूटी के साथ में एक आदेश निकाला है, जिसमें कि जितनी भी प्रमुख रोड्स हैं और विभिन्न वार्ड्स हैं, इनको हम लोगों ने एक एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दी है वो चेक करने के लिए और उसको रिपोर्ट करने के लिए। रिमूवल दल के ही वो लोग सदस्य हैं। तो अब जब एक तरीके से बीट सिस्टम हम लोगों ने स्थापित किया इस मामले में, जैसे ही होर्डिंग लग रहे होंगे हम लोगों को पता लग जाएगा और हमको तुरंत निकालने में बहुत सहूलियत होगी। लेकिन बैनर पोस्टर शहर के रूप रंग को खराब करते हैं, इस संबंध में मुझे लगता है कि सभी की सहमति है। स्वच्छता सर्वेक्षण में भी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग रहता है, उसमें भी इंदौर नंबर वन आने के लिए हमेशा जो लगा रहता है उसमें ये सहभागी बनता है। तो हमारी तरफ से जो शक्ति है बैनर पोस्टर हटाने में वो पूरी तरीके से जारी रहेगी और एक भी बैनर पोस्टर किसी का भी अगर हमारे संज्ञान में आएगा तो नहीं बचेगा। सर्वोच्च न्यायालय व आगामी त्योहार के मद्देनजर सिरवेल में शांति समन्वय समिति की बैठक पुलिस चौकी में आयोजित की गई। इस दौरान तहसीलदार देव कुंवर सोलंकी ने बताया कि न्यायालय का फैसला जो भी आए हमें उस फैसले को स्वीकार करना है, अफवाहों से बचें और ग्राम में कोई संदिग्ध व्यक्ति नजर आए तो पुलिस को सूचना दें। अपने मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक पर भड़काऊ मैसेज आए तो उसे बिल्कुल भी आगे नहीं भेजें। एक एक मैसेज पर पुलिस सतत नजर रखे हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। सभी की उपस्थिति और जिसने ग्राम शांति समन्वय समिति के बारे में चर्चा की गई है और हमारे सभी सभी समाज सभी वर्ग के लोग यहाँ पर निवास करते हैं और समिति इस आज की बैठक में हमें यही समझाया गया है और सभी लोगों को यही एक संदेश दिया गया है कि हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट से अयोध्या के मामले में जो फैसला आने वाला है उसके तहत हमको यहाँ पर अपने गांव में अपने आसपास के क्षेत्र में शांति बनाए रखना है, सभी को इसका संदेश देना है ताकि आने वाले फैसले के बाद इस कोई भी किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना हमारे यहाँ पर ना हो। सागर शहर में बुधवार रात मकरौनिया स्थित ओम पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने गए होम्योपैथिक कॉलेज के एक छात्र को पंप संचालक और उसके कर्मचारियों ने पीट दिया। विवाद पेट्रोल का ऑनलाइन भुगतान को लेकर हुआ था। घायल छात्र ने मकरौनिया थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। मकरौनिया पुलिस के अनुसार छात्र आयुष जैन ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि ओम पेट्रोल पंप पर वह बुधवार रात बाइक में पेट्रोल भरवाने के लिए गया था। जब उसने ऑनलाइन भुगतान के लिए कहा तो पंप कर्मचारी रुपए ट्रांसफर न होने की बात कहते हुए उससे नगद राशि मांगने लगे। जब छात्र ने कहा कि एक बार और चेक करो तो कर्मचारियों ने उसे पीट दिया। पंप संचालक के पुत्र यशवंत ठाकुर पर भी छात्र ने मारपीट के आरोप लगाए हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि उक्त पेट्रोल पंप संचालक जब भी कोई ऑनलाइन पेमेंट करने की बात करता है तो उसे मशीन खराब बताई जाती है और परेशान किया जाता है। सागर से सुधीर द्विवेदी की रिपोर्ट। मैं कल पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने के लिए गया था मॉर्निंग में 10 o'clock पे। तो मेरा कार्ड वाईफाई वाला है, मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उन्होंने मेरे अकाउंट से पैसे काट लिए। वाईफाई का है उसमें पासवर्ड नहीं लगता है, हमेशा पेट्रोल पंप डलवाता हूँ मैं तो पासवर्ड नहीं लगता उसमें। तो उन्होंने पैसे काट लिए मेरे अकाउंट से और मुझे बोल दिया कि आपका मतलब मशीन ख़राब है मेरी तो आपका ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो उस वजह से मैं लेट हो रहा था, तो मैंने इस वजह से वो कैश पेमेंट का मतलब कैश डलवा लिया मैंने पेट्रोल। फिर आज मैं सुबह से पेट्रोल डलवाने के लिए गया तो 180 का मैंने फिर आज पेट्रोल डलवाया। तो मेरा मैसेज पहुंचता है मेरे भैया के पास, क्रेडिट कार्ड का ट्रांजेक्शन होता है। तो मैंने भैया ने मेरे को बोला कि कल भी तुमने पेट्रोल डलवाया था 210 का और आज भी डलवाया 180 का। तो मैंने उनको बोला कि कल ट्रांजेक्शन फेल हो गया था। उन्होंने मेरे पास रिसिप्ट मतलब वो स्क्रीन। आज घटना क्या हुई?
तो उन्होंने मेरे को स्क्रीनशॉट सेंड किया और ट्रांजैक्शन की वो चेंज की सेंड की मेरे को ट्रांजैक्शन सेंड किया। तो मैंने आके भैया को बताया कि भैया मेरा ट्रांजैक्शन हुआ है, आपके मतलब पेट्रोल नहीं डला और पैसा कटा है मेरा, और भैया को मैंने स्क्रीनशॉट भी दिखाया तो भैया मानने को तैयार नहीं थे, गाली गलौज करने लगे। भैया कौन भैया? पेट्रोल पंप वाले, होम पेट्रोल पंप वाले मालिक वो ठाकुर है और उनके लड़के भी थे। तो मतलब अंकल जी जो पहले बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो वो बाद में आए पीछे से गाली गलौज करने लगे, कॉलर पकड़ के वो मारना चालू कर दिए। फिर यहाँ के इनके पेट्रोल पंप के जितने भी कर्मचारी थे सभी लोग इकट्ठे आए और मेरे को मारना चालू कर दिए, लिटा लिटा के और जूते वगैरह से मतलब लात वगैरह से मारा, ये चश्मा मेरा तोड़ दिया, हाथ मेरा ये पूरा देखो सूजा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।